गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं बसंत बिना एमजीआई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत मोस्ट वेलकम करता हूं। मित्रों, आज का टॉपिक जो अपना रहेगा वो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। मित्रों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, कारगर रहेगा। इसमें से क्वेश्चन हमेशा पुटअप किए जाते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं, तो उनको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। मैंने कहा, देखो दोस्तों, ध्यान देना, आप पंखों को, मेरे पंखों को खोल दो, मेरे पंखों को खोल दो, परिंदा कहता है। मेरे पंखों को खोल दो, परिंदा कहता है, अभी उड़ान बाकी है, अभी उड़ान बाकी है। मेरी मंजिल जमी नहीं है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, हमारे को बहुत कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। लॉकडाउन में आपकी जो पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति तो हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन जितना बन पड़ रहा है हमारा पूरा प्रयास, पूरा सहयोग आपके साथ है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझने से पहले हमें ग्लोब के बारे में संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब क्यों बनाया जाता है, ग्लोब किसने बनाया, ग्लोब पे क्या दिखाया जाता है। तो ग्लोब के ऊपर ये सारी चीजें प्रदर्शित होती है, तो इसलिए ग्लोब के बारे में हमें जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप ग्लोब क्या है दोस्तों, यहां पे ध्यान देना, ग्लोब पृथ्वी का वह मॉडल है, ग्लोब पृथ्वी का वह मॉडल है जिसमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल का प्रदर्शन किया जाता है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। अब दो बातें आ गई इसमें, ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है, ग्लोब पृथ्वी का क्या है, मॉडल है या प्रतिरूप है, पृथ्वी का क्या है, मॉडल है या प्रति रूप है, और इसमें क्या दिखाया जाता है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं दिखाई जाती है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। समझ में आपके आया होगा, ग्लोब पृथ्वी का वह मॉडल या प्रतिरूप है जिसमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल का प्रदर्शन किया जाता है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। अब देखो आप, अक्षांश, अक्षांश से अपन किसी स्थान विशेष की स्थिति के बारे में, उसकी जलवायु के बारे में, ताप कटिबंधों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं, और देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है, समय का पता लगता है, समय निकाला जाता है कि पश्चिम में समय क्या होगा, पूर्व में समय क्या होगा, तो ये हमें ग्लोब के माध्यम से ही पता लगता है। अब दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए यहां पर कि ग्लोब का निर्माण सबसे पहले किन्होंने किया था, ग्लोब का निर्माण किसने किया पहली बार, तो ये याद रखना, ग्लोब का पहला जो निर्माण जो किया, मार्टिन बेहम, ये याद रखना नाम आप, ग्लोब का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, मार्टिन बेहम के द्वारा किया गया था, और ये कहां के थे, जर्मनी के थे, जर्मन विद्वान थे, और ये निर्माण कब किया गया, 1492 में किया गया, और इस ग्लोब को सबसे पहले नाम क्या दिया गया था, कोई बता सकता है आप से, कमेंट्स करके बता सकते हो आप कि ग्लोब का, इस ग्लोब का नामकरण क्या किया गया था सबसे पहले, तो इसको दोस्तों नाम दिया गया था अर्थेपल, पहले ग्लोब को जो नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, अर्थेपल, क्योंकि पृथ्वी सेब की तरह है, तो इस तरह का ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने बताया ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का मॉडल या प्रतिरूप है जिसपे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल का प्रदर्शन किया जाता है, इसको ग्रिड भी कहते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड के नाम से भी जाना जाता है, और ग्लोब का निर्माण सबसे पहले किसने किया, मार्टिन बेहम ने किया, ये कहां के थे, जर्मनी के, ये निर्माण कब किया, 1492 में, और इस ग्लोब को क्या नाम दिया उन्होंने, अर्थेपल, इसको एर्डा फेल भी बोला जाता है दोस्तों, एर्डा फेल, इसको एर्डा फेल के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोला जाता है इसको,
अर्थ एप्पल का दूसरा जो नाम है वो है एर्डाफेट, एर्डाफेट ये नाम भी आप याद रखना। इसका एर्डाफेल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अर्थ सेव, अर्थ सेव। जैसे अर्थ जो अपनी पृथ्वी है उस सेव की भांति है, एप्पल की भांति है, इसीलिए इस ग्लोब को नाम मिला था अर्थ एप्पल। दोस्तों यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम ग्लोब के बारे में पूरी बातें अब जान चुके हैं। मैंने दोबारा देख दो, ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब पृथ्वी का वह मॉडल या प्रतिरूप है जिसपे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल का प्रदर्शन होता है। इसे ग्रिड भी कहते हैं, इसे ग्लोब के नाम से भी जाना जाता है। और ग्लोब बनाने से हमें देखो अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान विशेष की स्थिति, वहां की क्लाइमेट, ये जो ताप कटिबंध, समय का मापन, ये सभी इसी इन्हीं से होता है। और ये सारी प्रदर्शित किस पे होती है? ग्लोब के ऊपर होती है। और ग्लोब में अक्षांश देशांतर रेखाओं की जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड। ग्लोब का निर्माण सबसे पहले किसने किया? मार्टिन बेहम ने किया। ये कहां कहते हैं? जर्मनी के। कब किया? 1492 में। इस ग्लोब को क्या नाम दिया? अर्थ एप्पल, जिसको क्या नाम मिलता है? एर्डाफेल भी बोलते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ सेव होता है। ये दोस्तों समझ में आपके आ गया होगा। अब हम देखते हैं अक्षांशों के बारे में। पहली बात, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं तो पहले हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, अक्षांश रेखाएं होती क्या है। अब दोस्तों आपको ये ग्लोब में आपको ये चीज दिखाई दे रही है, अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाओं को दोस्तों आप ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड, लेटीट्यूड के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटीट्यूड। और देशांतर रेखाओं को लोंगिट्यूड के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड के नाम से देशांतर रेखाओं को कहा जाता है। तो ये इंग्लिश भी आपको पता होना चाहिए कि देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं, ग्लोब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या फिर ये गोलार्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इन चीजों का भी हमें नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। अब जैसे गोलार्ध आता है, गोलार्ध लिखा हुआ, तो गोलार्ध को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? हेमिस्फीयर। ध्रुव को पोलर के नाम से जानते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसके अलावा ये कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं और भूमध्य रेखाएं प्रदर्शित हैं। अब दोस्तों सबसे पहले देखना है अक्षांश रेखाएं क्या है। अक्षांश रेखाएं देखो पूर्व से पश्चिम दिशा में जो अनुप्रस्थ रूप में, जो क्षितिज रूप में जो काल्पनिक रेखाएं बनी हुई है उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में शुद्ध मापक के आधार पर, शुद्ध मापनी के आधार पर ये जो रेखाएं हैं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। अब इसके पृथ्वी के बीचों बीच, दोस्तों देखो ध्यान देना, पृथ्वी के बीचों बीच ये जो रेखा है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। अब देखो भू का मतलब पृथ्वी होता है, मध्य मतलब बीच में, और रेखा मतलब रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजर रही है उसे भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा क्योंकि यहां पे दिन और रात 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात बराबर होती है, इसलिए इसको विषुवत रेखा का नाम मिला। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। और यहां पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो वर्टिकल पड़ती हैं, लंबवती पड़ती हैं दोस्तों। और ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी ध्यान रखना, इक्वेटर के नाम से जाना जाता है भूमध्य रेखा को। अब उसके बाद में आप देखो दोस्तों ध्यान देना, फिर ये जो रेखा है भूमध्य रेखा ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है। अब ये ध्यान देना, ये जो उत्तरी गोलार्ध है इसको हम स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। कौन सा गोलार्ध कहते हैं? स्थलीय गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। और दक्षिणी जो गोलार्ध है उसको हम जलीय गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय गोलार्ध, जलीय गोलार्ध। क्योंकि उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है और दक्षिणी भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है, इसलिए स्थलीय भाग को, ये उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में हम देखेंगे भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है, सबसे बड़ी रेखा आपको यही नजर आ रही है,
पृथ्वी का सबसे बड़ा व्रत, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है, पृथ्वी का सबसे बड़ा व्रत किसे कहा जाता है? भूमध्य रेखा को कहा जाता है। उसके बाद में देखो ये अक्षांश रेखा है ऊपर की ओर छोटी होती जाती है। अब ये देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और कर्क रेखा के ऊपर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम देखें मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और मकर रेखा के ऊपर सूर्य की जो किरणें हैं ये वर्टिकल कब पड़ती है? 22 दिसंबर को। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। अब आपको समझ में आना चाहिए ट्रॉपिक का अर्थ क्या है। यहाँ पे ट्रॉपिक का अर्थ मतलब होता है कि उत्तरी भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी जो क्षेत्र है इसको ट्रॉपिक बोला जा सकता है। और ट्रॉपिक का दूसरा अर्थ उष्ण कटिबंध भी होता है। ट्रॉपिक का दूसरा क्या है? उष्ण कटिबंध भी होता है, क्योंकि कर्क और मकर रेखाओं के समीप जैसे गर्मी अधिक होती है, उष्ण क्षेत्र पाया जाता है, उष्ण आद्र जलवायु वहां की पाई जाती है, तो इसलिए भी इसको ये ट्रॉपिक नाम मिला है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे ध्यान देना है, नेक्स्ट ये जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम आर्कटिक व्रत के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक व्रत कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम अंटार्कटिक व्रत के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर अपनी धुरी के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। तो ये चीजें भी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा का पोर्शन ये है, कर्क रेखा का समीपवर्ती क्षेत्र, ये कर्क रेखा का समीपवर्ती क्षेत्र और ये मकर रेखा का समीपवर्ती क्षेत्र। तो यहां पे एक प्रश्न बनता है कि कर्क और मकर रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? अयनवर्ती क्षेत्र। क्या कहते हैं? अयनवर्ती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न भी ध्यान रखना, आप एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्क और मकर रेखा के समीपवर्ती भाग को किस नाम से जाना जाता है? अयनवर्ती क्षेत्र के नाम से। और वर्ल्ड का सबसे अधिक तापमान भी कहां पाया जाता है? ऐसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि विश्व का सबसे अधिक तापमान जो है वो दर्ज कहां किया गया है? अयनवर्ती क्षेत्र में। विश्व का सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक तापमान कौन सी रेखा के ऊपर दर्ज किया गया है? अयनवर्ती क्षेत्र पे। और अयनवर्ती क्षेत्र किसको कहा हमने? कर्क और मकर रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र को। और वर्ल्ड का यहां पे क्वेश्चन और बन सकता है, विश्व का सबसे गर्मतम स्थान कहां है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में है। कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका में कौन सा देश में है? लीबिया में है, लीबिया में। अब लीबिया में पर्टिकुलर एक स्थान है अल अजीजिया। कौन सा स्थान है? अल अजीजिया। और अल अजीजिया स्थान पे 1922 में 58 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था, 58 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दर्ज किया गया था, जो विश्व का सबसे अधिक तापमान वाला स्थान है। तो ये याद रखना दोस्तों। अब याद रखना कर्क रेखा के समीप पड़ता है लीबिया। अब देखो मैंने बताया कि यहां पे ये प्रश्न ध्यान देना, देखो कितने प्रश्न जुड़ रहे हैं। विश्व का सबसे अधिक तापमान कौन सी रेखा के सहारे पाया जाता है? अयनवर्ती रेखा के सहारे। अब ये वर्ग में सबसे अधिक तापमान कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका में। अफ्रीका के कौन से देश में? लीबिया में। लीबिया में कौन से स्थान पे? अल अजीजिया में। यहां पे 1922 में, कब है? 1922 में कितना डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया? 58 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया, जो विश्व का सबसे गर्मतम स्थान माना जाता है। यहां तक आपको मैं समझता हूं बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि जो लेटिट्यूड है, जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी ये कितनी होती है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनमें गैप्स कितने होते हैं, इनमें अंतराल कितना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों कई स्टूडेंट भ्रमित रहते हैं एग्जाम में कि गुरुजी ये बताइए आप, सर आप ये बताओ हमें कि अक्षांश रेखाएं 179 होती है या 180 होती है या 181 होती है, क्यों किताबों में ये पढ़ने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जब हम ग्लोब बनाते हैं, देख छोटी सी बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, अब यहां पर समझने का प्रयास करना। जैसे आप ग्लोब बनाओगे, मान लीजिए ग्लोब है आपका, ये ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है।
अब आपको ग्लोब बनाना है। अब ग्लोब कैसे बनाओगे आप? अब आपको अगला अंतराल देगा, क्योंकि ग्लोब बनता है दिए हुए अंतराल के आधार पर, दिए हुए अंतराल के आधार पर। अब जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि ग्लोब का निर्माण किस आधार पर किया जाता है, तो उत्तर क्या बताओगे? दिए हुए अंतराल के आधार पे। अंतराल आपको 15 डिग्री दिया जा सकता है, 20 डिग्री दिया जा सकता है, 30 डिग्री दिया जा सकता है, कोई भी अंतराल आपको दिया जा सकता है। उस अंतराल के आधार पे आपको ग्लोब बनाना होता है। अब जैसे देखो आप, अब यहां पे ध्यान देना, अब अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं, अक्षांश देशांतर की, तो अक्षांश रेखाएं हम मानते हैं 180 डिग्री। अब दिए हुआ जो अंतराल है, जैसे सपोज करो आपको 30 डिग्री अंतराल दे दिया, तो इस अक्षांश रेखाओं में दिए जो अंतराल दिया जाता है उसका भाग लगा देना है। अब भाग लगाओगे तो कितने आ गए? 6 अक्षांश रेखाएं आपको ग्लोब में खींचनी है। बस समझ में आ रहा है आपको? जितनी अक्षांश रेखाएं हैं उसका दिया हुआ अंतराल का भाग उसमें लगा देंगे हम। अंतराल मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया कि 30 डिग्री अंतराल दे दिया और ग्लोब बनाइए, या कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी, तो कितनी खींच जाएंगी? 6। और देशांतर रेखाएं आपको पता है 360 डिग्री होती है, तो वही दिए हुए अंतराल का भाग आपको लगाना है, तो अब यहां पे 12 आ जाएगा। तो 6 देशांतर रेखाएं तो पूर्व में पश्चिम में खींची जाएंगी और 6 पूर्व में खींची जाएंगी, तो टोटल कितने हो गई? 12 हो गई। तो ऐसे हम ग्लोब बनाते हैं। अब जैसे देखो, 2 मिनट में बनाता हूं यहां पे। जैसे ये रेखा है, 30 का अंतराल है, 30, ये 60 और ये 90, ये 30, ये 60 और ये 90, 90 और 90 180 हो गई। क्लियर होगा? उसके बाद में देशांतर रेखाएं कितनी खींचनी है? 12। अब 12 देशांतर रेखाएं, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये भी 3, ये 4, ये भी 4, ये 5, ये भी 5 और ये 6 आई रही, तो ये अपना ग्लोब बन गया। ये दक्षिण ध्रुव हो गया, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ये ग्लोब का निर्माण हो गया आपका। ऐसे ग्लोब बनाना सीखिए आप। अब बात आती है अक्षांश रेखाओं की दोस्तों, अब ध्यान देना। अब मैं बता रहा था आपको कि अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं दोस्तों 180 डिग्री होती है। इसको अंश भी बोलते हैं, अंश का संकेत ऐसे आता है, इसको अंश भी बोला जाता है, 180 डिग्री अंश। तो देखो 90 अंश उत्तर में और 90 अंश दक्षिण में खींचे जाते हैं, एक से लेके 90 तक, एक से लेके 90 तक। अब इसके बाद में विद्वानों ने, कई विद्वानों ने जब शोध किया, अनुसंधान किया, तर्क वितर्क किया, वाद विवाद किया, तो कोई नई चीज उभर के सामने आई। अब उन्होंने बोला कि 190 ये है और 90 ये है, ये तो मान लिया हमने, लेकिन ये जो भूमध्य रेखा है ये भी तो अक्षांश रेखा है, तो इसको भी इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो इस आधार पे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 181 डिग्री होगी। अब कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि जो ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये रेखा नहीं होती, ये बिंदु के रूप में प्रदर्शित होते हैं। किस रूप में प्रदर्शित होते हैं? बिंदु के रूप में प्रदर्शित होते हैं। ये अक्षांश रेखाएं नहीं होती, ध्रुव अक्षांश रेखाएं नहीं होती, ये बिंदु होते हैं। अब यहां पे अक्षांश उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दो बिंदुओं को यदि हम हटा देंगे तो 179 डिग्री आपके पास बच जाएगा। तो ये स्थिति है अपने सामने। यदि ग्लोब बनाएंगे तो हम ये मानेंगे, यदि भूमध्य रेखा को जोड़ेंगे तो हम ये मानेंगे, और यदि दोनों बिंदुओं को उसमें से घटा देंगे तो 179 अपनी अक्षांश रेखाएं होंगी। अब एग्जाम में आपके जो विकल्प आते हैं, तो कभी भी पेपर सेंटर कमेटी मेंबर जो होता है वो इस तरह की विवादास्पद क्वेश्चन पुटअप नहीं करता है, क्योंकि आज आरपीएससी या कोई भी नोडल एजेंसी एग्जाम करवाता है तो उस इस तरह के विवादास्पद प्रश्नों से वो बचना चाहते हैं। तो इस तरह का यदि आए तो आप इजी वे में आप आराम से कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपना बनता है यहां पे कि अक्षांश जो रेखाएं हैं इनके बीच में, देखो यहां पे ध्यान देना, अक्षांश रेखाओं के बीच में, अब जैसे अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है, दो देशांतरों के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर पड़ता है? 111 किलोमीटर का अंतर पड़ता है, और दो देशांतरों के बीच में जो गैप है, जो अंतर है, उसको क्या कहते हैं? जोन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं या कटिबंध कहते हैं, जोन या कटिबंध।
देश अक्षांश रेखाओं के अंतर को क्या बोलते हैं? जोन या कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, कितना गैप होता है? 111 किलोमीटर। ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद में अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं? और विशेषताएं देखो, इस ग्लोब के आधार पर अपन आराम से इनका वर्णन कर सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहले देखेंगे अपन कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त है, बिल्कुल सही है, ग्रेट सर्किल है। अब देखो, सबसे बड़ी लाइन आपको भूमध्य रेखा की नजर आ रही, तो पहली विशेषता होगी विषुवत रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है। दूसरी विशेषता, अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है, पैरेलल खींची जाती है, बिल्कुल ठीक है। भूमध्य रेखा के बिल्कुल समानांतर खींची जा रही है ऊपर नीचे, तो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है। तीसरे नंबर पे, शुद्ध मापक के आधार पे जो अक्षांश रेखाएं हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। शुद्ध मापक के आधार पे पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, ये चीज भी क्लियर हुई अपनी। उसके बाद में मैंने ये दो चीजें बताई थी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में अंतर होता है 111 किलोमीटर का, और इनके जो अंतर पाया जाता है उस अंतर को हम जोन या कटिबंध के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद चौथी बात, नेक्स्ट, कि अक्षांश रेखाओं का उपयोग क्या होता है, क्योंकि वो भी गुणों में ही आता है, विशेषताओं में ही आता है। अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसी स्थान की स्थिति का पता हमें लगता है, और एक हमें जलवायु का पता लग जाता है, या ताप कटिबंधों का पता लग जाता है, ताप कटिबंधों का हमें पता लगता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा से, पांचवें नंबर पे देखेंगे, भूमध्य रेखा से जो जो हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती जाती है। भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो क्या होती है, घटती जाती है। बिल्कुल क्लियर हुआ। ध्रुव हमेशा किस रूप में दिखाई जाते हैं, बिंदु के रूप में। तो ये इसकी इंपोर्टेंट विशेषताएं थी जो आपको समझ में आई होंगी। अब दोस्तों, अब बहुत अच्छे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। अब देखो, ध्यान देना, अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में कितनी डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है, भारत में कितनी डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है, और एशिया में कितनी डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है, और ये रेखाएं कौन कौन से क्षेत्रों से होकर गुजर रही है, कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब देखो, ध्यान देना, आप जैसे राजस्थान मैप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, यदि आप चाहोगे तो मैं बना भी दूंगा। देखो, ये अपना राजस्थान है, सपोज कीजिए आप, ये राजस्थान क्षेत्र है अपना, तो राजस्थान का केवल हम अक्षांश पढ़ रहे हैं आज, ये अक्षांश रेखाओं का पढ़ रहे हैं। अब देखो, ये उत्तरी और ये दक्षिणी, बस यही तो देखना अपने को। अब अपने को पता है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट, ये इस तरह से जो निशान आता है, ये मिनट का निशान आता है, क्योंकि अक्षांश रेखाओं को अंशों में, मिनटों में और सेकंडों में मेजरमेंट किया जाता है इनका। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो राजस्थान कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य राजस्थान पाया जाता है। उसके बाद में भारत की बात करें अपन, तो भारत के बारे में भी अपन देख सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत की जो अक्षांश विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अपना भारत स्थित है। तो ये याद रखिएगा, भारत की अक्षांश स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा भारत स्थित है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, आप जैसे कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि राजस्थान से, जो राजस्थान में कर्क रेखा का जो विस्तार जो देखते हैं, इसके बारे में प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, कर्क रेखा से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो, इससे पहले मैं दोस्तों एक और बता दूं आपको कि एशिया जो महाद्वीप है ये कितने डिग्री अक्षांश देशांतरों के बीच में है।
ये बहुत कम बच्चों को पता है। तो एशिया जो महाद्वीप है ये 164 डिग्री देशांतर और 85 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो ये दोनों चीजें याद रखना, एशिया जो महाद्वीप है, क्योंकि हमारा जो देश है भारत है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, जो वर्ल्ड के 30% भाग के ऊपर फैला हुआ है और वर्ल्ड की 60% जनसंख्या इस महाद्वीप में दोस्तों निवास करती है। और एशिया के बारे में आपको पता होगा कि एशिया हिब्रू भाषा के आसु शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य होता है। और ये जो महाद्वीप है ये आपको पता है कि ये अंगारा लैंड जो है, अंगारा लैंड या लारिशिया, उसका पार्ट माना जाता है। और एशिया महाद्वीप यूरोप से भी जुड़ा हुआ है दोस्तों, किससे जुड़ा हुआ है? यूरोप से भी लगा हुआ है और दोनों को मिला के यूरेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया। एशिया और यूरोप को मिला के यूरेशिया भी कहा जाता है। अब बात अपनी तो यह है कि एशिया महाद्वीप कितने डिग्री देशांतर के बीच में है और कितने डिग्री अक्षांश के बीच में है, यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट अपनी बात आती है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों ही जो लाइन है, ये लाइन से है वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब देखो राजस्थान से स्टार्ट करते हैं, फिर वर्ल्ड में पहुंचते हैं अपन। राजस्थान में दोस्तों याद रखना, आप सबको याद है ये चीजें, लेकिन एक बार रिफ्रेश हो जाएगी आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल ये चीज सारी स्टेबल कर रही है आपको। राजस्थान में ये जो रेखा है ये दो जिलों से होकर गुजर रही है, पता आपको? बांसवाड़ा जो राजस्थान के दक्षिण में है, दोनों बॉटम में है, पाताल देश के नाम से इनको जानते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब देखो बांसवाड़ा में पर्टिकुलर स्थान पूछ ले कि बांसवाड़ा जिले की तहसील है कुशलगढ़, कौन सी है? कुशलगढ़ तहसील। इसके मध्य से होकर ये रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ तहसील के मध्य से होकर ये रेखा गुजरती है। और डूंगरपुर जिले का एक गांव पड़ता है चीखली, कौन सा गांव है? चीखली गांव है। तो इसके दक्षिणी छोर से होकर ये निकलती है। और कर्क रेखा की जो लंबाई है राजस्थान में 26 किलोमीटर है मित्रों। अब ये बात है आपको याद रखनी है राजस्थान की, और कोई स्पेशल कोई चीज याद नहीं रखनी है आपको, क्योंकि देशांतर रेखाओं से रिलेटेड और प्रश्न बनेंगे। जैसे बांसवाड़ा कर्क रेखा राजस्थान में बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के मध्य से होकर डूंगरपुर जिले के चीखली गांव के दक्षिणी छोर से गुजरती है, तथा कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई 26 किलोमीटर है, इतना याद रखना है। अब बात आती है भारत की, तो दोस्तों मैंने बहुत पहले बता दिया था आपको, जैसे भारतीय इंट्रोडक्शन जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बता दिया था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार, और फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि जो कर्क रेखा है ये मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये भारत है, तो भारत के बीचों बीच ये कर्क रेखा गुजर रही है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 8 राज्यों से। इसका सूत्र मैंने बताया था आपको कि राम झा के 6 बंगू मित्र, ये सूत्र बताया था। तो देखो राज से तो राजस्थान हो गया, मैं से मध्य प्रदेश हो गया, जहां से झारखंड हो गया, के यहां पे साइलेंट है, 6 से छत्तीसगढ़ हो गया, वै से बंगाल हो गया, बंगाल मतलब अपने बंगाल नाम से पश्चिम बंगाल एक ही राज्य है, तो बंगाल पश्चिम बंगाल राज्य, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा, ये आपको याद रखना राम झा के 6 बंगू मित्र। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। तो राजस्थान हो गया, भारत हो गया। अब बात आती है वर्ल्ड की कि विश्व में ये जो कर्क रेखा है ये कौन कौन से महाद्वीपों से, कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है। अब दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा आप, जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो है, ये वर्ल्ड की बात करें हम, महाद्वीपों की बात करें, तो ये 3 महाद्वीपों से होकर निकलती है। कौन कौन से महाद्वीपों से? 3 महाद्वीपों से। अब वो 3 महाद्वीपों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला देखते हैं अपन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप नेक्स्ट, पहला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा नेक्स्ट आएगा अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा जो आएगा वो आएगा एशिया महाद्वीप। तो ये 3 महाद्वीपों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। अब दोस्तों अब ये कर्क रेखा इन महाद्वीपों के 18 देशों से होकर गुजर रही है। कितने देशों से?
18 देशों से होकर गुजर रही है। अब 18 देश याद करना पॉसिबल नहीं है बिना ट्रिक के सहारे, क्योंकि उनमें कन्फ्यूजन अपन हो सकते हैं। इसलिए हमने एक ट्रिक बना रखी है, वो जो ट्रिक है वो यदि याद कर लोगे तो बिल्कुल क्लियर अपना हो जाएगा ये टॉपिक। अब देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं कितने देश गुजर रहे, कितने देश से गुजर रही है, 18 देशों से। अब याद रखो आप, जैसे चाची याद रह सकता है क्योंकि अपने व्यवहारिक जो नॉलेज में होते हैं वही चीजें बनाएंगे अपन। चाची बाग में, चाची बाग में मोर समालिस है। अब समालिस है ये हरियाणी लैंग्वेज भाषा का वर्ड हो गया, वैसे याद रह सकता है आपने। चाची बाग में मोर समालिस है, बिल्कुल क्लियर याद हो जाएगा ना। अब उसके बाद में और दूसरी लैंग्वेज बन रही है इसमें, मामा अमे, एक गाना है ना अमे तुम्हारे के बालोवासी। तो देखो मामा जी को बच्चे पूछ रहे हैं कि मामा अमे इनाम बताओ, इनाम बताओ। अब इनाम किसके लिए, चाची के लिए इनाम है, वो चाची के लिए क्या है, इनाम है, इनाम बताओ। तो ये वर्ड बने अपने, देखो अभी आराम से याद हो जाएंगे अपने। चाची बाग में मोर संभालिस है, फिर वो बच्चे बोल रहे हैं कि मामा हमें इनाम बताओ कि चाची को क्या दे, समझ में आया ना आपको। अब ये 18 देश हो जाएंगे अपने। देखो चा से चाड़, ची से चीन, बाग से बांग्लादेश, मैं यहां पे साइलेंट है, मोर मोरक्को, मोरक्को से सऊदी अरब, सऊदी अरब, भा से भारत, ली से लीबिया, ली से लीबिया, और से संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, अरब अमीरात, मा से माली, मा से मार्टिनिया, ऐसे अल्जीरिया, अल्जीरिया में मिस मामा अमे। चलो इसका देखते हैं पहले, इजिप्ट, नासे नाइजर, ये मेक्सिको है दोस्तों, मेक्सिको, और मैं इन नाम मैं से म्यांमार हो गया, बैसी बहामास हो गया, तासी ताइवान हो गया, ओसी ओमान हो गया, ये याद रखना दोस्तों। अब देखो दोस्तों इस सूत्र से आराम से अपन बिल्कुल ही 18 देश याद रख सकते हैं कि चाची बाग में मोर समालिस है, मामा अमे इनाम बताओ। तो इसमें आराम से कर सकते हैं, चा से चाड़, ची से चीन, बाग से बांग्लादेश, मोर से मोरक्को, से सऊदी अरब, भा से भारत, ली से लीबिया, से संयुक्त अरब अमीरात, मा से माली, मा से मार्टिनिया, ऐसे अल्जीरिया, मे से मेक्सिको, ई से इजिप्ट, इजिप्ट मतलब मिस्र, मिस्र कह सकते हो आप, ना से नाइजीरिया, मैं से म्यांमार, बै से बहामास, और ता से ताइवान, और ओ से ओमान। ये 18 देश हो गए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब दोस्तों अभी याद रखना, ये उत्तरी अमेरिका के दो देश हैं, अफ्रीका के देखो कितने देश आ रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप के देश काउंट कर लो, आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए ताकि आपको पता लग जाए। जैसे चीन, एशिया की काउंट कर लेते हैं अपन पहले, चीन, बांग्लादेश, दो दो। तो इसमें ये याद रख लीजिए आप, ये सूत्र याद रख लो, फिर उसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होगी आपको। 18 देशों से होकर गुजर रही है, और ये देश काउंट कर लेना, जैसे टोटल 18 देश हैं जिनसे होकर ये रेखा गुजरती है, और ये तीन महाद्वीपों से होकर गुजर रही है। तो उत्तरी अमेरिका के दो देश इंपोर्टेंट है, मेक्सिको और बहामास, उनसे होकर गुजरती है ये।
और अफ्रीका के देश जो है उनसे और एशिया के देशों से उनसे ये गुजरती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपना आगे कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा क्लियर हो गया आपका, अब बस भी भूमध्य रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अब दोस्तों इसके भी मैं साथ ही बता देता हूं आपको, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ये कितने देशों से होकर गुजरती है, तो ये याद रखना 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, और भूमध्य रेखा 13 देश वो कौन कौन से हैं इंपोर्टेंट, उनके बारे में अपने को ध्यान देना है, क्योंकि ये तीन महाद्वीपों से ये होकर गुजरती है और 13 देशों से होकर गुजरती है। अब इसमें एक सूत्र है तो बहुत ही पॉपुलर सूत्र है, उसको ध्यान देना, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से रिलेटेड जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा, जैसे एक तो आ जाएगा एक काला बाज, एक काला बाज, ये याद रह सकता, एक काला बाज। अब ये सारे के सारे जो देश हैं ये दक्षिणी अमेरिका के हैं, कौन से महाद्वीप के हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। अब देखो एक से तो हो गया इक्वेडोर, इक्वेडोर, काला से हो गया कोलंबिया, कोलंबिया, बाज से हो गया ब्राजील, आराम से याद रह सकता है, एक काला बाज, एक से इक्वेडोर, काला से कोलंबिया, बाज से ब्राजील। तो ये दक्षिणी अमेरिका के कितने देशों से, तीन देशों से होकर गुजरती है, एक तो ये लाइन याद रखना। दूसरी बात, अब नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका हो गया अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजर रही है, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, भूमध्य रेखा भी, इसीलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंटल के नाम से भी हम जानते हैं, क्या कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंटल। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है इसके कितने देशों से होकर गुजर रही है वो अपने को देखने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें देखेंगे, ये तो तीन देश हो गए अफ्रीका में, इसमें भी एक सूत्र है कि काका, काका के सामने, काका के सामने युवा गायब, तो ये याद रह सकता है आराम से, काका के सामने युवा गायब। अब देखो का से हो गया कांगो, कांगो गणराज्य, फिर का से हो गया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये कांगो गणराज्य है और ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। के से हो गया दोस्तों केनिया, के से सीधा हो रहा है केनिया, सामने से हो रहा है सोमालिया, सोमालिया, युवा से हो रहा है युगांडा, युगांडा, गायब से हो रहा है गेबोन। तो ये इंपॉर्टेंट देश हो गए छह, देखो काका के सामने युवा गायब, का से हो गया कांगो गणराज्य, का से हो गया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, के से हो गया केनिया, सामने से हो गया सोमालिया, युवा से हो गया युगांडा, गायब से हो गया गेबोन। तो ये कितने देश हो गए, एक दो तीन चार पांच और ये छह, तो ये अफ्रीका के कितने देशों से गुजर रही है, छह देशों से। अब टोटल अपने पास हो गए नौ देश, अब इसका मतलब चार देश अपने बचे हुए हैं। अब उसका भी एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो भी ध्यान देना आप कि यहां पे देख लीजिएगा आप कि ये जो अब नेक्स्ट महाद्वीप जो बच गया वो कौन सा महाद्वीप बच गया है, नेक्स्ट महाद्वीप एशिया बच गया। अब एशिया के ये चार देशों से गुजरती है, अब इसका भी एक सूत्र है कि इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की मासी, इंडोनेशिया की मासी, मासी का मतलब ये मौसी कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इंडोनेशिया की मौसी। अब ये चार देश हो गए, देखो एक तो इंडोनेशिया हो गया, एक हो गया किरीबाती, एक हो गया मौसी मालदीव, एक हो गया सीसे मालदीव, इंडोनेशिया किरीबाती मालदीव, और ये दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, ये मैं भी बता दूंगा आपको। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट जो महाद्वीप हैं इनके बारे में बताया कि एशिया के बारे में, एक तो इंडोनेशिया, किरीबाती और ये के मोसी, मोसे लगा देंगे अपन मालदीव, और सीसे लगा देंगे दोस्तों, सीसे लगा देंगे साओ टोम, साओ टोम एंड प्रिंसिप,
ये अपने चार देश हो गए, इंडोनेशिया हो गया, किरीबाती हो गया, मालदीप हो गया और साउथ टोम प्रिंसिप हो गया। ये कौन किसका आ गया? भूमध्य रेखा के। तो भूमध्य रेखा टोटल कितने? चार देश ये हो गए, नौ हो गए, दोनों चार 13 देशों से होकर गुजर रही है। अब अपना बच गया लास्ट अंतिम मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो देखना अपने को कि अब मकर जो रेखा है ये कितने देशों से गुजर रही है। मकर रेखा टोटल 10 देशों से गुजरती है दोस्तों, कितने देशों से? 10 देशों से। अब इसका एक सूत्र याद रख लो, ये तीन महाद्वीपों से ऊपर गुजरती है। अब इसमें संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं आपको, जैसे एक सूत्र बताते रखा है और काफी पॉपुलर सूत्र है कि चील और बाज नामक प्रजाति में, चील और बाज नामक प्रजाति में आपस में बहुत समानता है। यह सूत्र बन गया जैसे, तो यह याद रह सकता है, चील और बाज नामक प्रजाति में आपस में बहुत ही समानता है। अब यहां पे दोस्तों देखना आपने को, चील से चीली पहला देश कौन सा आ जाएगा? चिली। और से लगाएंगे अर्जेंटीना, कौन सा देश? अर्जेंटीना। बाद से लगाएंगे ब्राजील। ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा भी गुजर रही है और मकर रेखा भी गुजर रही है। नामक से नामीबिया, नाम आते ही नामीबिया आ जाएगा, नामीबिया। प्रजाति से पराग्वे, मे से मेडागास्कर, आपस से ऑस्ट्रेलिया, मे से मोजाम्बिक, बहुत से बोत्सवाना, और समानता से लगाएंगे साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ये देश हो गए टोटल 10। अब दोस्तों देखो, प्रश्न एग्जाम में यदि आ जाए कि मकर रेखा विश्व के कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो हम डायरेक्ट बताएंगे, एक तो महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दूसरा आ गया अफ्रीका और तीसरा आ गया ऑस्ट्रेलिया। ये तीन महाद्वीपों से ऊपर गुजर रही है। भी कितने देशों से गुजर रही है? 10 देशों से। वो 10 देश कौन कौन से? उसका सूत्र जो है ये बहुत ही पॉपुलर सूत्र है, इसको आप याद रख लेना। चील और बाज देख लीजिए भले ही आप, चील और बाज नामक प्रजाति में आपस में बहुत समानता है, और इसको याद रखने में बहुत ईजी होगा आपके लिए कि देखो, चीन से तो हो गया चिली, और से अर्जेंटीना, बाज से ब्राजील, नामक से नाम आते ही नामीबिया याद आ जाएगा, प्रजाति आते ही प्रागवे याद आना चाहिए, मे से मेडागास्कर, आपस से मतलब ऑस्ट्रेलिया, मे मोजाम्बिक, बहुत से बोत्सवाना, समानता से साउथ अफ्रीका। तो ये टोटल 10 देश हो गए। तो अपने ये देश अपने को याद रखने हैं। देखो, कर्क रेखा के ऊपर आपको 18 देश जो थे वो याद रखने ही होंगे आपको, उसके बाद में भूमध्य रेखा के ऊपर 13 देश थे वो याद रखने ही होंगे, मकर रेखा के ऊपर ये 10 देश हैं। तो ये सारे देश मैंने आपको वित्त सूत्र फार्मूले के द्वारा आपको बताए हैं दोस्तों, इनको आप अच्छे तरीके से याद रखना, पूरी मेहनत करना, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को दोस्तों, वीडियो तो सारे हमारे देखे जाते हैं, हमने देखा है कि हमारे 63% से ज्यादा वीडियोस देखे जाते हैं, लेकिन लगभग 37% जो स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, एक बटन हिट करने में कहां अपना बिगड़ता है, क्या लगता है दोस्तों? हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो इतना तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्नेह और जो प्यार जो दे रहे हैं वो यूं ही देते रहें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करो, ताकि आपके लिए नए नए नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करके और आपको प्रेषित करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।